क्या जिंदगी भर स्कूल में, फिर स्कूल में ओवर के रुक जाने के तुझे पानी बहुत है, कोफ्ते खा रहा था हैं अपन बोले बोस बूंदी की सब्जी, कोफ्ते खा रहा था, यस चावल की रोटी और नमकीन गेहूं, और नमकीन नमकीन गेहूं चल अच्छा ले लूं फिर फर मैंने ब्रेड ले लिया आ गई है बाइक के ऊपर ये आपको मुझे तो लग रही है हेलो गाइस गुड मॉर्निंग वेलकम बैक टू माय चैनल। सो फाइनली जिस दिन का हमें 2-4 दिन से इंतज़ार था वो दिन आ चुका है। मुझे भी नहीं था, इंतज़ार नहीं बोल सकते, ये बोल सकते हैं कि हाँ हमें पता था कि आएगा, है ना। और आज बारिश हो रही है सुबह सुबह, कल सुबह हो रही थी तब तो ये सो रहे थे और आज ये जा रहे हैं। गाड़ी नहीं आ गई ना, फाइनल हो गया ना, सही तेज़ बारिश हो रही है आज सुबह, अपने उठ तक तो हो ही रही थी। कैसा लग रहा है? 45 days के बाद हम इतनी जल्दी उठे हैं और इतनी जल्दी ये जा रहे हैं। 50 days बाद कैसा लग रहा है? अजीब सा लग रहा है या हैप्पी हैप्पी? हैप्पी हैप्पी लग रहा है। फिर तो आप खुल गई इनका अलार्म सुनिए मुझे तो आज क्या जिंदगी भर स्कूल में फिर स्कूल में ओवर के रुक जाने के ये शर्ट अच्छी लग रही है मुझे, कितने दिनों बाद आपने ये शर्ट पहनी है ना। चलो एक बाय करके आते हैं। गुड नाइट। कल तो सारी सड़क भर गई थी पानी से, बाइक भी नहा ली आज तो ओके बाय। स्लो चलाना है इसी, स्लो स्लो चलाना है इसी, सो सो कर रहे हो आप उठते ही। आ गई है बाइक के ऊपर, मस्त मौसम में मस्त खाना बनाएंगे, अभी तो अच्छा लग रहा है। पहले दिन जल्दी उठी हो ना नींद पूरी हो गई, आंटी आ गई हमारी काम वाली, ठीक है चलो आंटी आ गई तो चलते रूम की साफ सफाई करूँगे और काम करते हैं। छुटकी उठा के रूम साफ करते हैं, रूम साफ, खुद झाड़ू लगा दी मैंने, मुझे लगा था गंदा है गंदा है इसलिए मैंने खुद साफ सफाई कर दी, सारे पानी के भर दिए, लेकिन ये मोटे हैं मेरे, पता नहीं क्यों नहीं हो रहे, मुझे समझ नहीं आ रहा, शायद इनके सही बोल रहे थे लाइफ ख़त्म हो गई। चलते हैं किचन में, कोफ्ते बना रहे हैं, अच्छा मौसम है तो कोफ्ते बना रहे हैं, बढ़िया दूध पी रहती हूँ, फिर बनाऊँगी अपने लिए वक्त को, हो गए ठीक है, ऐसा मन कर रहा है उठते ही खा लूँ बाहर बैठ के। बारिश हो रही है अभी सही तेज बारिश, सही है, बहुत फर्क पड़ जाएगा बारिश से ना मौसम में, गर्मी में विंडो विंडो खोल के काम कर रहे हैं। चल कोफ्ते और डाल के तो सब्जी रेडी करके, तो आज फिर सब मैंने ब्रेड ले लिया दूध तो पहले सब्जी होते ही मम्मी आटा गूंद रही, फिर गुड ब्रांड स्टार्ट करें। वाह 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 भाई, मैं नहा लिया आज 9 बजे से ही पहले, मुझे था मैंने बोला मैं नहा लेती हूँ वरना मैं हल्का सिल जाऊँगी, और सही करा मैं नहा ली। और ये फ़ायदा हुआ सूट बड़े साइज़ मंगवाने का, ये मैंने XXL मंगवाया था और उस टाइम मुझे L आता था तब, और अब इतना सही है मुझे देखो बिल्कुल, मतलब अभी भी लूज़ है और एक महीना आ जाएगा, इसलिए मैंने इतने बड़े बड़े नंबर मंगवाए थे, इसलिए मैंने आज सुबह उठते ही सूट पहना क्योंकि ये भी घर पर नहीं है। और अब मैं डेली ऐसे रहूँगी, टी शर्ट कभी कभी पहनूँगी,
बट अब छुट्टियाँ मेरी भी ख़त्म, मेरी भी छुट्टियाँ चल रही थी और इनके भी ख़त्म। ठीक है, मेरे तो वैसे बस यही थी कि मैं ये बैठी रहती तो मैं भी नहीं नहाती थी और ऐसे ही ना मेरा मन करता था। बस पोछा रहेगा रूम में और तो सब क्लीन है। अब सब्जी होगी थी रेडी, साफ क्लीन होगी आज और सब्जी होगी थी रेडी। इतनी बनती है क्योंकि हमारे मेम्बर ज़्यादा है, आप लोग सोच लेंगे दोनों टाइम की बनानी, नहीं भाई एक ही टाइम किए गए। बस वो है क्योंकि सब बड़े बड़े हैं और मेंबर ज़्यादा है इसीलिए। कोफ्ते की प्यूरी बनाकर डालते हो थोड़ी देर बाद ना सारे कोफ्ते पानी पी लेते हैं, लेकिन थोड़ी देर बाद अपने आप ठीक हो जाते हैं, लेकिन ऐसे बहुत टेस्टी लगते हैं। चलो रोटी बनानी स्टार्ट करते हैं। बारिश तो रुक गई, 5 मिनट बाहर बैठती हूँ, उनके पोछा लगा रही है, फिर जाके काम करना शुरू करूँगी, तब तक खा लेती हूँ। मैंने ब्लॉग एडिट कर लिया, जो मैं रात को करती थी ना काम, क्योंकि सुबह नहीं होता था, मैंने आज कर लिया। मतलब अब मेरे पास रात में टेंशन फ्री हूँ। मेरा कल का ब्लॉग हो चुका है एडिट और 10:30 हो गए हैं, मतलब मैंने 1.5 घंटे ही गैप में या 2 घंटे लगा लो, 2 घंटे हो गए धूप पी है काम करी थी, तब मैं दूसरे फ़ोन में भी, मैं अब दूसरा फ़ोन ले आया आज काम करने के लिए कि बस बहुत है आज स्टार्ट करते हैं। चार्ट्स देखने हैं मुझे, सोच रही हूँ मैं 11:30-12 के बाद शुरू करूँ, 1 घंटा भी बनाऊँगी, कुछ और काम कर लेती हूँ। पर भूख लग गई बैठे बैठे, फिर पनीर रखा था सब्जी के लिए मंगवाया था कल, लेकिन मुझे था मैं पहले मैंने कट किया खाने के लिए, बट कच्चा पनीर ना मुझसे इतना नहीं खाया जाता। मैं एक पराठा बना लाई हूँ दही के साथ, वाह 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 मज़ा ही आ जाएगा। अब मैं 12 बजे तक फिट हो जाऊँगी, फिर मुझे 12 के बाद ही खाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इस टाइम कुछ खा लेती हूँ, तो थोड़ा मैं चला लेती हूँ अपने हनुमान जी और कृष्ण जी के भजन, खाते खाते सुन लूँगी, उसके बाद और काम करूँगी। आप लोगों को तो पता नहीं क्या चेंज लगा कहने पर, मुझे तो ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या ही चेंज होगा। 10:30 हुआ है और मैं इस टाइम दोबारा लेके बैठी हूँ खाना। सुबह दूध लिया था, अब ब्रेड, बादाम और सेब, अब ये खा रही हूँ। ठीक है, अब नहीं बोलूँगी मैं मुझे भूख लग रही है, क्योंकि मैं भूख लगने से पहले ही खा ली। ओके खा लेते हैं। ठीक है, तो ये आने वाले होंगे। अब मैं काम करके आई हूँ अपना सारा, फ़ोन का रील भी पोस्ट कर दी है आज मैंने और शॉर्ट्स कॉपी कर ली है। मैंने बना दिए चावल, ये कुछ रखे थे कल के, तो इसमें ना ये अनियन और वो डाल के तड़का दे दिया, तो इनको अच्छे लगते हैं, ये खा लेते हैं, इसलिए मैंने बना दिए। पापा भी घर पे है, किसी और को लेने होंगे तो वो भी ले लेंगे, और वो तो मना कर रहे थे रोटियों की, बट मैं 2-3 बनाऊँगी क्योंकि मैं रोटियाँ खाऊँगी, चावल कम खाऊँगी। सलाद कर दिया, रायता बना दूँगी बूंदी का। चलो फटाफट करती हूँ, क्या पहले मैं सब कुछ बना लेती हूँ। कैसा रहा आपका स्कूल? फिर भी ना बच्चों कैसे रहा? कुछ ना, आप बाइक पे गए थे कहीं? आपके बाल क्यों उड़ रहे हैं फिर सारे? अब 10 बार यो आगे पीछे करा होगा, निकाल निकाल के 10 बार ऐसे यहाँ से बाल उड़ जाएंगे, ऐसे मत करो, अब आगे गिर लो, आगे गिरा दो। कैसा रहा फिर आपका स्कूल? मस्त था। मजे में? आप ही बोल रहे थे मैं परेशान हो गया, क्यों जाना है स्कूल, क्यों जाना है स्कूल, अब क्या हुआ? बाहर ये जो आप निकाल रहे हो अभी, खा लिया लंच? बिस्किट भी खा लिया? ठीक है, सब कुछ रेडी है। आप ही लेट आए हो, देखना 2 बजे आए हो आप, 1 बजे का निकले हुए हो, गाड़ी में टाइम लग गया, ट्रैफिक था, बारिश भी हो रही है। ठीक है, ले आऊँ खाना? क्या बोल रही है रे तू, ये क्या कर दिया तूने? तूने एक जिंदा टमाटर को चक्कू मार दिया यार, ये बहुत अच्छा लगता है टमाटर मुझे आजकल। मैंने टमाटर ना हो, टमाटर टमाटर अपना खुद का बनाओ, बहुत थे क्या सब्जी कोफ्ते कराया था, बूंदी की सब्जी कोफ्ते कराया था, चावल की रोटी और नमकीन गेहूँ, और नमकीन नमकीन गेहूँ। चल चावल ले लू ना, बहुत है कुछ yes. नहीं लग रही है प्लेट, फिर भी मैं कहूँ कुछ कर दे दोबारा बैठ कर, फिर खाने के टाइम पे तो बोलो विटामिन दे, मैंने इसमें डाल दू, मक्खन ले लू, रोटी भी ठंडी हो गई, आप लेट आ रहे हैं।
वरना तो काम चल जाता है। इन रोटियों से पापा को बोल दिया आपने कि क्या बहुत है कि नहीं? ओह पापा तो बोल दिया बहुत है कि नहीं, पापा बोल रहा ना बहुत है कि नहीं? नहीं आपने पूछा था कि बहुत है नहीं, वरना थोड़े से फिर आप लेते ना मम्मी भी आएगी। कोई दिक्कत नहीं, बहुत है। चांद चांद वे लिया तुमने क्या नोनी इंडिया जीत की लड़ ले क्या मिला उन्होंने? बदला ले लिया, 10 विकेट तराई थी उनने 2022 में इंडिया। यही सुना मैंने रील कुछ भी लगाते रहो सच में ना, स्टेटस सच में कुछ भी लगाएंगे ये। चलो घूमने सोके उठी थी, बढ़िया मौसम मिलेगा पर धूप है। अब तो हम गाड़ी में जाते हैं घूमने के लिए। पहले जब माँ गाड़ी खरीदे में बोलते थे गाड़ी लेके आते और यहाँ घूमते एक थार वाला आता था बोलते थे थार लेके आया और यहाँ घूम रहा है। अब मम्मा के साथ भी वही सीन हो गया हल्का भी। चलो मैं क्या बताऊँ, हवा लग रही है आपको? मुझे तो लग रही है, मैं आज नहा लिया थी ना, वैसे तो हवा चल रही थी लेकिन बहुत ज़्यादा ह्यूमिडिटी है, बहुत ज़्यादा। मतलब मुझे इतना अंदर से ही ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही है अंदर अंदर, इसलिए मैं नहा लिया आज। सोच रही थी पहले खाना बनाऊंगी फिर नहाऊंगी, बट पहले मैं नहा ली, खाना बना के दोबारा बना लूँगी। रूम तो काफ़ी ठंडा है बट बाहर है। डॉक्टर का चेक कर रही थी मैं कब जाना है मुझे, ठीक है इसे मेरी सारी रिपोर्ट्स हैं, मैं पहले पढ़ लेती हूँ भगवद्गीता फिर बताते हैं। खाने रेडी है इतना बड़ा भर के मक्खन निकाला था और मुझे लगता था बस मैं उठते मक्खन खाना शुरू कर दूं। आज कल बहुत ज्यादा मक्खन ही, मैंने सिर्फ इतना ही लिया, सिर्फ थोड़ा सा, इतने बड़े पार्ट में सिर्फ मैंने इतना सा ही लिया, ज्यादा नहीं लिया, बस 2 रोटी के साथ है ना, ठीक है फटाफट खाऊंगी वरना ये थोड़ा पीला हो जाएगा फिर टेस्ट हो जाता है चेंज। चलो चलते हैं। सो खाना खा के फ्री यार, मैंने तो दोबारा बना ली अपनी स्ट्रेच मार्क्स क्रीम और ओलिव ऑयल। तो आप लोगों ने बनाई, जिसके ने मुझसे पूछा था कि आप क्या कर रहे हो क्या कर रहे हो, मैंने उनके लिए बताया था ये, अब मैं लगा लेती हूँ। उससे पता क्या ठंडक बहुत मिलती है और ना मतलब दिन में मुझे कोई ऐसी इचिंग नहीं होती, दिन में दोपहर में शाम को नहीं, मुझे रात को होती है। रात को मैं कितना ट्राई कर लूँ कि मैं इचिंग ना करूँ फिर भी नींद में मैं पता नहीं चलता, इसीलिए मैं तब सोऊंगी अभी और 1 घंटे बाद या 2 घंटे भी हो सकते हैं, ये कब तक सोते हैं इनका कुछ नहीं पता होता। अब तो फिलहाल बाहर गए हैं तो ठीक है, आज का दिन अच्छा था, यूनिक था, थोड़ा सा अलग हो गया, अब सही लग रहा है, नींद आ रही है मुझे क्योंकि मैं आज जल्दी उठी थी, फिर मैं दोपहर में भी 2 घंटे ही सोई। अभी 3:30 बजे तक तो हम TV देखते रहे, फिर 5 बजे उठ गई थी दोबारा। तो यही चल रहा है आजकल, आप लोग व्लॉग में बहुत कम प्यार दे रहे हो, मैं देख रही हूँ कि आप लोग ज़्यादा बिजी हो गए हो, शायद कहीं फेस्टिवल भी ऐसा नहीं है कि आप लोग बिजी हो गए हो लेकिन फिर भी आप लोग व्यूज कम दे रहे हो व्लॉग्स पे, बट कोई बात नहीं, मैं वेट कर रही हूँ जिस दिन बढ़ेंगे तो ये बोलती दीदी प्रैंक कर लो ये कर लो, यार नहीं होता मेरे से ना, प्रैंक भी कर लो, फिर मैंने एक ही प्रैंक किया है आजकल, मुझे पता है कितना हर्ट हुए थे वो उसके बाद, तब मैंने कहा था कि मैं घर जा रही हूँ मुझे नहीं रहना ऐसा करके, वो प्रैंक था आप लोगों ने देखा होगा, तो उसमें इतना हर्ट थे कि उसने मुझे साफ साफ बोला इसके बाद कोई प्रैंक मत कर दियो, आज के बाद कोई प्रैंक मत कर दियो, आज के बाद मैं सोचती हूँ कभी कभी कर लूँ ऐसे प्रैंक फिर, लेकिन प्रैंक भी क्या करूँ, यही कर सकती हूँ कि मैंने आपके इतने पैसे खर्च कर दिए या हम यहाँ नहीं रहना चाहते, यही बेसिक चीज़ है, और ये तो नहीं कर सकती कि मैं ड्रिंक करके आई हूँ या ये ड्रिंक करके आए हैं ऐसी चीज़ें, क्योंकि मैंने देखा है कुछ यूट्यूबर्स का जो ऐसे प्रैंक डालते हैं, बट आई स्वेयर यार आप लोग सच यकीन मानोगे कि उनको पता होता है कि कैमरा रखा है कुछ है, वरना कोई महीने में 4 प्रैंक करे और उसको पता ना चले कि कैमरा रखा है, और फिर वो अलग करे सारी चीज़ें अलग करे, ऐसे भी हैं मतलब देखे हैं मैंने। और एक ने मुझे बोला था एक बार पर्सनली इंस्टाग्राम पे
कि आप दीदी और जो 5 लाख है 6 लाख है उनके ब्लॉग्स देखोगे, वो ब्लॉग्स कैसे बनाते हैं, ताकि आपको थोड़ा आइडिया हो जाए। मैंने उसको कुछ रिप्लाई नहीं किया, बट मैं ये बोल रही हूँ कि मैं स्टार्टिंग 0 फॉलोअर से अब 1 लाख पे हूँ, तो वो अपनी मर्ज़ी से और अपनी मेहनत से। उन 5 लाख वालों ने मुझे कभी नहीं आके बताया कि आपको कैसे क्या करना है ना। तो और मैंने फिर एक का देखा भी, ये बोला उन्होंने, तो वो 6 साल से यूट्यूब पे हैं जिनका मैंने देखा, और उनके 5 लाख प्लस कुछ सब्सक्राइबर थे, ठीक है। तो मैंने उनका देखा, तो वो पूरा टाइम किचन दिखाते हैं, जॉइंट फैमिली में रहते हैं, वो अच्छे खासे व्यूज़ थे उसके, 40,000-35,000 ऐसे ऐसे व्यूज़ थे वीडियोस पे। पूरी जॉइंट फैमिली साथ रहते हैं वो अपनी, लेकिन फिर भी उसने पूरे व्लॉग में खाना ही दिखा रखा था। मैंने 2-4 व्लॉग्स देखे उसके, मतलब वो क्या कर रहे हैं, गैस के पास ऐसे स्टैंड रख के फ़ोन को टेढ़ा कर दे रहे हैं और काम करते रहते हैं किचन में, और फिर फास्ट फॉरवर्ड करके उस वीडियो को रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं कि मैं ये कर रही हूँ, वो कर रही हूँ, ऐसे जा रही हूँ, वैसे जा रही हूँ, मतलब फिर रिकॉर्डिंग कर दे रहे हैं वही वीडियो को। लेकिन उनका रूम नहीं दिख रहा पूरी वीडियो में, सारी फैमिली नहीं दिख रही, हस्बैंड नहीं दिख रहे, बच्चे नहीं दिख रहे। 4-5 व्लॉग देखे मैंने जिनमें अच्छे खासे व्यूज़ थे, ऐसे नहीं डेली के में अच्छे मुझे व्यूज़ दिखे, वो सिर्फ और सिर्फ किचन दिखा रहे, सिर्फ किचन। तो ऐसे ऐसे लोग भी हैं जो इतने फॉलोअर होने के बाद भी, और मैं अगर ना दिखाऊं अपने घर में किसी को, तो वो नहीं आ रहा, ये नहीं आ रहा, वे कहाँ है, ये कहाँ है, मेरे साथ ये होने लग जाता है। पता नहीं उससे उनकी ऑडियंस नहीं पूछती कि आपके घर वाले यार आपके हस्बैंड क्यों नहीं आते व्लॉग्स में, आते जैसे मैं बताती हूँ उसे कि चले गए जॉब पे, आ गए हैं, ये कर लिया, वो कर लिया, वो ऐसा कुछ भी शेयर नहीं करते किसी के भी साथ। वो उठते हैं थोड़ा दिखा के, योगा वो कर लिया, फिर सीधा किचन में खाना दिखाते हैं सुबह का, फिर दिखाते हैं कि 5 दिन चले गए छत पे, फिर दोपहर का खाना और रात का खाना, और पूरा टाइम स्टैंड लगा के वॉइस ओवर करते रहते हैं हमेशा। कभी नहीं दिखाते कि बच्चों साथ खेल रहे हैं या बच्चों साथ बैठे हैं। तो सबका अपना अपना बनाने का तरीका है, और वो उससे ही चल रहे हैं। और मैं किचन दिखा दूँ तो मेरे व्यूज़ मुझे पता है देखना ही बंद कर देंगे लोग, ये देखेंगे कि भैया कहाँ हैं, भैया व्लॉग्स में क्यों नहीं आते, आपकी सास क्यों नहीं आती, आपके पास ससुर क्यों नहीं आते। मेरे साथ तो यही सीन चलता है, ठीक है। तो फिलहाल आज के व्लॉग को हम यही बंद करते हैं, कल मिलते हैं नए व्लॉग में, कुछ नया बनाऊंगी कल सुबह सुबह उठते, बारिश अच्छी हुई तो। फिलहाल देख लेते हैं टीवी, पी लेती हूँ दूध और अपनी क्रीम्स लगाती हूँ, पैरों में मसाज करूँगी, थाई में, पैर में, नीचे फुट पे, नीचे जहाँ पे तलवा होता है, फिंगर्स में, यहाँ पे भी करने से बहुत रिलैक्स मिलता है और फिर नींद भी अच्छी आती है। चलिए गुड नाइट गाइस, कल फिर मिलते हैं।